नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बरार खबर जिले के बरार थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई। जमीन के सीमांकन के दौरान मृतक युवक पर हमला करने से पहले ही युवक की डर की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन युवक को शिवपुरी के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ले गए, जहां मृत घोषित करने के बाद शव को बरार थाना लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने मर कायम का जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बारेलाल पुत्र कृष्णा प्रजापति निवासी ऊंची बरोद ने अपने लड़के संतम प्रजापति के साथ बरार थाने पहुंचकर बताया कि आज शुक्रवार सुबह 11 बजे की बात है कि उसके खेत का सीमांकन करने हेतु पटवारी एवं आरआई एवं गांव का चौकीदार हुक्मी परिहार एवं भाव और उसका लड़का भूरा उर्फ रामस्वरूप प्रजापति संतम प्रजापति एवं मातादेन शर्मा और उसका लड़का घनश्याम शर्मा आए थे। बताया कि हमारे और मातादेन के खेत की एक ही मेड़ है। जब आरआई और पटवारी ने सीमांकन किया तो करीब 15 फुट जगह हमारे खेत में निकल रही थी। पीड़ित ने बताया कि आरआई एवं पटवारी बोलने लगे कि करीबन 15 फुट जगह मातादेन शर्मा की तुम्हारे खेत में आ रही है, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगी। इसी बात पर से मेरे लड़का भूरा उर्फ रामस्वरूप प्रजापति व मातादीन शर्मा व उसके लड़के घनश्याम शर्मा से आपस में कहा सुनी हो गई थी। इसी दौरान रामस्वरूप उर्फ भूरा प्रजापति उम्र 35 साल को वही अटैक आ गया और सदमे में आकर वहीं बैठ गया। उसके बाद परिजन उसे लेकर गांव आ गए थे। फिर गांव से जीप से शिवपुरी सिद्धिविनायक अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टर ने रामस्वरूप उर्फ भूरा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शिवपुरी से लड़के रामस्वरूप उर्फ भूरा प्रजापति को शव को लेकर बरार थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मर कायम का जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ के रहने वाले? तो क्या क्या मामला, क्या घटना है? मई जमीन है नापत हो और मई में जबरदस्ती से लिए तो वो जबरदस्ती ने मार तो कौन कहता है? जो माता जी बोल रहे कहते हो घनश्याम और ये वो मोड़ी गोलन वो का कहते हैं वो गद्दावर क्या कहते हैं? गद्दावर नो कहे जमीन तो तू देनी पड़े। तो अभी आज ये घटना हुई, कैसे क्या कुछ हुआ था? अरे कुलाई लेकर मार रहे हो वो सब बली सिया का हम खेत में थे में दबको मारो जान नहीं वहां जान नहीं वहां दबको महाराज ग्रहण कर रहा हूँ मन सब नो करो करो के तना वही चाहिए जमीन में वही न बांगो में हाँ ऐसे ही तुम्हारे भाई हाँ कर रहा हूँ मैं तीन तक ये सब है बच्चा बांगो चाहिए। कौन कहता है कि माता दिन को ऐसा जवाब माता दिन कहता हूँ सुनवाई नहीं हो रही इस पर कोई सुनवाई नहीं पैसे भर दे तो साफ बहुत पाने दरोगा ने रुपया भरे थे मैं मारो तब रुपया भरे आवे भी मेरे पास रिपोर्ट भी है हम गरीब आदमी मन मार भी खाए खाए कोई सुनवाई नहीं करता किससे लिया है पैसा? माता दिन ने पैसे दिए उसको पाने दरोगा का मैं मारो तो मुंह पे रिपोर्ट है कुछ नहीं सुनवाई करी मुंह पे उनको केस भी लगा दो तो पाने दरोगा ने मेरे पास भी रिपोर्ट है। कब की घटना है? छह अभी है चार महीने चार पाँच महीने महीने मारो बाके मोड़ाना माता दिन की नगर जमीन नापांगा तो क्या हो गया है? किसने मारा मेरा नाम संतम है। कहाँ के रहने वाले? बरोद के। तो अभी ये घटना हुई है, क्या कुछ मामला है? अरे मामला वो चीरा गाड़ रहा हो तू और गिद्दा वाला तो माता दिन घनश्याम हो तू जे माने माता दिन सब बली लेकर तो मार उड़ रहा हो तू घनश्याम पे खुलाई थी वो मार लेकर उड़ रहा हो तू और वो गिद्दा वाला तू तेनों करो मादर चुत क्या नहीं देगा जमीन देगा इस चक्कर इस कोर्ट पे खत्म हो बहरा कर जाए। गिद्दा वाला का क्या नाम है? गिद्दा वाला का कोई नाम पता है? गिद्दा वाला का नाम पता नहीं है।
पटवारी है तो बेचारे पटवारी ने कुछ नहीं बोली गिद्दा जे माता दी नो घनश्याम जी नहीं कागत नहीं चीरा गाड़ रहे थे एक साल से परेशान कर रहा है और एक साल से परेशान कर रहा है। रिपोर्ट भी डाली मारो तो मैं अब अभी रिपोर्ट कोई पाड़े दरोगा जी ने कोई नहीं सुनी सका बिल्कुल मेरे पास रिपोर्ट भी है। तो ये खत्म हुआ है आपका कौन है जी? मेरा भैया है मुझसे बड़ा पूरा नाम है उसका। बिरार से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।